हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चार के स्टडी। बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 2020 और 21 के जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो आ चुके हैं। बहुत ही दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे, बहुत शिद्दत से, बेसब्री से आप इसका इंतज़ार कर रहे थे। अब जबकि फॉर्म आना था 2 मार्च को, तो 2 मार्च को वो नहीं आ पाए, 3 मार्च को आ चुका है। अब आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अपने फ्यूचर की एक और सीढ़ी को क्रॉस कर सकते हैं। तो अब आप अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, तैयारी कीजिए, जितने भी मटेरियल है उसको अच्छे से तैयारी कीजिए। यहाँ पे हम पूरे टाइम टेबल के बारे में, कब आपके फॉर्म, कब लास्ट डेट है, कब आपको एडमिट कार्ड आएगा, कब आपके जो आंसर किए हैं वो रिलीज़ की जाएगी, आपके सारे जो कोर्सेज़ के JNU के MA हो, BA हो, PhD हो, MPhil हो, उसके कब एडमिशन होने और क्या क्या प्रोसेस, वो सारी डिस्कशन यहाँ पे हम करें। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और भी दूसरी यूनिवर्सिटी से मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और आप किस तरह से तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये 2020 का प्रोस्पेक्टस है, उसमें आपको ये सारी डेट मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कब से आपका स्टार्ट हो रहा है, 2 मार्च से 31 मार्च तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए 31 मार्च इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। करेक्शन इन पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली टू बी नोटिफाइड बाई NTA NIC। तो आपका फॉर्म, ये जो 31 मार्च के बाद आपके फॉर्म में अगर किसी तरह की भी आपको लग रहा हो कि गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक है, उसको सही करना है, तो उसके टाइम बाद में आपको दी जाएगी। उसकी डेट जो है वो अभी पब्लिश नहीं की है, तो इस ध्यान रखिएगा कुछ गड़बड़ हो जाए आपके फॉर्म में फॉर्म अप्लाई करते वक्त, तो उसका आप ध्यान रख सकते हैं कि बाद में आपको उसका टाइम दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड कर सकते हैं NTA वेबसाइट से, वो 3 30 यानी कि 30/4/2020 को टेंटेटिव डेट है, हो सकता है इसमें चेंज भी कर दिया जाए। तो ये डेट है, इससे आप अपना 1 महीने बाद, फॉर्म भरने के 1 महीने के बाद आपका ये जो डेट है एडमिट कार्ड की, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंट्रेंस आपके कब होने, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आप अपना किसी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 11th, 12th, 13th एंड 14th मई, यानी कि मई में आपको 1 2 3 4 4 डेज में आपके सारे जो JNU के जो एंट्रेंस है वो हो जाएंगे। आगे डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की फॉर इनवाइटिंग, अगर आपके आंसर की यहाँ पे इस डेट में, लेकिन इसकी अभी डेट नहीं आई है कि आंसर की का मौका दिया जाएगा, कि आपको लग रहा हो, आप आंसर की चेक करने के बाद आपको लग रहा हो कि आपके जो क्वेश्चन है उसमें कुछ गड़बड़ी है, या आपके जो आंसर की JNU की तरफ से डाली गई है वो गलत है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, उसकी भी डेट बाद में आ जाएगी। डिक्लेरेशन ऑफ MPhil एंड PhD रिजल्ट फॉर वाइवा वोस, जिनमें MPhil और PhD के जो वाइवा वोस हैं, जिनका वाइवा होना, इंटरव्यू होना, उनकी जो लिस्ट है वो 31 मई को अपलोड कर दी जाएगी। जिन सिलेक्टेड लोगों की होगी, जिन्हें वाइवा में कॉल किया जाना होगा, उनके लिए ये डेट है। ये भी टेंटेटिव हो सकता है, चेंज हो जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है यही डेट रहेगी। उसके बाद वाइवा कब होना है, ये MPhil और PhD का, तो होल्डिंग ऑफ वाइवा एग्जामिनेशन ये 22 जून यानी कि 22 जून से 26 जून के बीच में ये वाइवा होगा। तो जो लोग भी PhD MPhil के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस डेट का ध्यान दें कि कब आपको वाइवा के लिए कॉल किया जाएगा, कब आपकी लिस्ट पब्लिश की जाएगी। उसके बाद आता है मेरिट लिस्ट का, वो जो दूसरे जिनका वाइवा नहीं होना है, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम ऑफ स्टडी, नीचे है वेयर वाइवा वॉस इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, वेयर वाइवा वॉस इज प्रिस्क्राइब्ड। तो दो डेट दी गई है, एक ये है कि जिनका वाइवा नहीं होना उनकी डेट ये है 5/6/2020, और जिनका वाइवा होना है उनका है 2/7/2020। तो ये है पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन, यानी कि जो फाइनल लिस्ट आ जाएगी आपकी कि अब इनका एडमिशन होना है, ये वो फाइनल लिस्ट होगी। तो दो डेट है जिनमें वाइवा नहीं होना, जैसे BA MA में वाइवा नहीं होता है, तो उनके जो लिस्ट आएगी वो 5/6/2020 को आएगी, और जिनका वाइवा है MPhil और PhD का, उनकी है 2/7/2020 को उनकी लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट।
फाइनल लिस्ट के बाद आपका जो नंबर आता है वो आता है जेएनयू में प्री इनरोलमेंट का। ये वो डेट होती है जिसमें आपका नाम अगर फाइनल लिस्ट में आ गया है तो आपको अपनी सीट ब्लॉक करनी है, वरना आपकी सीट चली जाती है। तो ये टाइमिंग दी जाती है, इस टाइम का आपको ख्याल रखना है। तो ये है प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी विद ब्लॉकिंग ऑफ सीट। यहाँ पे भी दो आपको डेट मिलेगी। तो फर्स्ट में है वेयर वाइवा वॉज इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, जिनमें वाइवा नहीं होना है, जैसे बीए और एमए के जो हैं जिनमें वाइवा नहीं होना, उनके लिए ये डेट है 8 जून से 8 जुलाई के बीच में आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है तो आपको इत्मीनान से नहीं रहना कि जाकर डायरेक्ट एडमिशन लेना, ऐसा नहीं है। उससे पहले आपको ऑनलाइन जेएनयू की वेबसाइट पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, उसके बाद आप अपनी सीट वहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं कि हाँ मैं इस सीट को लेने के लिए आ रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो सीट दूसरे लोगों तक जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं उन तक पहुँच जाती है। इस बात का आप ध्यान रखें, इस डेट का ध्यान रखें। दूसरा यह है वेयर वाइवा वॉस इज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जिन लोगों का वाइवा होना है उनको भी सीट ब्लॉक के लिए 3 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपको मौका दिया जाएगा। इस बीच आप अपनी सीट को अपना रिजर्व कर सकते हैं। रिजर्व करने के बाद अब आता है कि आपका एडमिशन कैसे होना है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन शेड्यूल ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, इनका एडमिशन की डेट क्या है। फॉर एमबीए, एमबीए के लिए 30 जून 2020 है, ये आप डेट इसको याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पे है फॉर बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर, बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड, एमटेक, एमपीएच एंड पीजीडी। तो इनकी जो डेट है वो ये है 9 से 10 जुलाई 2020। दूसरा ये याद रखिएगा, ये सारे कोर्सेज के दूसरी डेट है। थर्ड पे है फॉर एमए, एमएससी और एमसीए, इनका है 11th, 13th, 14th एंड 15th एंड 16th जुलाई। तो 11 जुलाई से 16 जुलाई तक, 11, 13, 14, 15 और 16 जुलाई के बीच में आपका एमए, एमएससी और एमसीए के जो हैं उनका एडमिशन होगा, ये वो डेट है। और एमफिल और पीएचडी का जो एडमिशन होना है वो है 17th, 18th एंड 20th। तो ये होगा 17, 18 और 20 जुलाई 2020 को एमफिल पीएचडी का एडमिशन होगा। उसके बाद आइए जो और कोर्सेज हैं पार्ट टाइम कोर्सेज, उनका होगा 21st से 22nd जुलाई, 21 और 22 जुलाई को 2 दिन में उनका एडमिशन होना है। तो ये हो गया टोटल जो कोर्सेज हैं उनका एडमिशन कब होना, ये उसकी डेट है। उसके बाद रिलीज ऑफ फाइनल लिस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन वेयर एवर कंसीडर नेसेसरी। अगर ऐसा फील होता है कि जो सीट जितने लोगों को बुलाया गया था उन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है या सीट कम स्टूडेंट आए हैं, तो दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। तो वो जो दूसरी लिस्ट आएगी सारे कोर्सेज की, वो बाय 25th जुलाई 2020, यानी कि 25 जुलाई 2020 को वो लिस्ट आ सकती है। ये भी टेंटेटिव है, हो सकता है इसकी डेट चेंज हो जाए। रजिस्ट्रेशन फॉर फाइनल लिस्ट, अब ये जो फाइनल लिस्ट आएगी बाद में उनके जो रजिस्ट्रेशन होगा 25 को अगर वो आती है तो आपका 25 से 27 और 30 जुलाई को उनका एडमिशन होगा। तो जो लोग भी बचे हुए होंगे वेटिंग लिस्ट में होंगे, तो इस बात का ध्यान रखें ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका अगर फर्स्ट में नाम नहीं आया है तो दूसरे का भी वेट कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। डेडलाइन ऑफ एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन, तो और इसके बाद 14 अगस्त के बाद ये डेडलाइन है, इसके बाद कोई एडमिशन और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि बीटेक, एमटेक, एमएससी कोर्सेज रजिस्ट्रेशन एज पर शेड्यूल्ड कम्युनिकेटेड बाय जोसा। तो ये जो है जोसा जो इंस्टीट्यूशन है उसके हिसाब से इन तीनों कोर्सेज के एडमिशन वगैरह होंगे उनके बेस पे, तो जिस तरह उन्होंने कम्युनिकेट किया उससे होंगे, तो ये इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का 2020 और 21 में होने वाले इंट्रेंस एग्ज़ाम की पूरी डिटेल है, टाइम टेबल है, कब आपके कब कब आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या सारी चीज़ें। अभी बाकी और वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएगी किस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अभी वेबसाइट डेवलप हो रही है, वहाँ से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें वहाँ पे पूरी तरह से आई नहीं है, तो आप 1-2 दिन और वेट कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल में आपको और भी दूसरी चीज़ें बताई जाएगी, वहाँ से आप उन सारी चीज़ों को देखिए, उसके बाद समझिए, और समझने के बाद फिर आप अपना
फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आराम से फॉर्म भरिएगा, उसमें कोई गलती मत कीजिएगा, जल्दी मत कीजिए, टाइम बाउंड नहीं है, आप जब भी भरेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये एक वेबसाइट है NDA की, वहाँ पर आप जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, फिल एप्लीकेशन फॉर्म JNU इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020, ये लिंक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, या तो NTA के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से भी आप JNU तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।